पति कमाए आधा, बीवी कमाए ज्यादा। कहानी है मीरा की, जो खूब पैसे कमाया करती थी। उसकी शादी राजू से होती है, जो कमाई में एवरेज था। शादी लव मैरिज थी। शादी के बाद मीरा अपने मायके जाती है, जहां उसकी सहेलियां और भाभी के साथ माँ सभी उसका इंतजार करते हैं। माँ माँ माँ, तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी लकी हूँ। अरे सास से लेकर देवर, ननद और ये सब मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। मैं तो रानी बनकर रहती हूँ, रानी। एक माँ के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है। वैसे बेटा तुम बहुत खुश रहो, हमारी तो यही दुआ है। तभी भाभी कहती है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ मीरा, वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हो शादी के बाद। हाँ, और ये देखिए, ये हार मैंने खरीदा है इस बार की सैलरी से। और आपको पता है, अगले महीने तो मैं कार खरीद रही हूँ, फिर तो मैं कार से ही आया जाया करूंगी। बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया है तुझे, आज तेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देखकर बहुत अच्छा लगा बेटी। पर पैसे को ख्याल से खर्च किया करना, तेरी शुरू से आदत है खर्च ज्यादा करने की। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी सारी जिंदगी कौन मजे करता है। एक बार बच्चा हो जाए तो जिम्मेदारी तले दबी रहेगी हमारी बेटी। वो बात भी सही है भाई। ठीक है बेटा, पति के पैसे जमा कर और अपने उड़ा। मजे कर मेरी बच्ची, खुश रह। मीरा के लिए ससुराल तो सच्ची किसी गेंदा फूल की तरह ही था। हर कोई बड़े ही प्यार से रहता। मीरा मायके से ससुराल आ जाती है, जहां ननद कहती है, ना भाभी ना, आप क्यों रोटी बना रही हो? आप तो काम करिए अपने ऑफिस का। माँ बता रही थी कि बहुत काम होता है, मैं बनाती हूँ ना रोटी। हाय रे, जैसे फिल्मों में दिखाते थे, मेरी ननद तो बिल्कुल वैसी नहीं है। मैं तो धनिया हूँ धनिया। हे माँ, न जाने कौन से मोती दान किए होंगे, ये सारे लोग कितने अच्छे हैं। मीरा ननद को रोटी बनाने दे देती है और खुद कमरे में बैठी होती है कि सास हाथ में दूध का ग्लास लेकर आ जाती है। बहू, ये दूध पी ले, थक जाती होगी ना काम कर करके, क्यों? बहू को लगता है साक्षात माँ दुर्गा हाथ में दूध का ग्लास लेकर आ गई है। तो सास को बहू धन की देवी लक्ष्मी से कम नहीं लगती। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ा रही हैं? अरे मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं आपका ख्याल रखूं, तो आप मेरे लिए दूध ला रही है, ये ठीक नहीं लगता माँ जी। लेकिन सास, अरे जिसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही होती है, वो बहू से कहती है, देख बहू, वो जमाने गए और ना ही मैं वो पिछड़े जमाने की सास हूँ जो बहू और बेटे में फर्क करूँ। मेरे लिए तो बहू नहीं, बेटी है बेटी। बहू को तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अरे सास तो बहू के गले में चाकू लेकर बैठा करती है, लेकिन ये तो बहू के साथ ऐसे है जैसे कि बहू का कोई कर्जा लेकर बैठी हो। दिन ऐसे ही मीरा के लिए मजे के बीत रहे थे। सास क्या, देवर क्या, ननद, ससुर, हर कोई उसे ऐसे फील कराता जैसे वही है जो है नहीं। फिर आता है वो दिन। मीरा यार, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है और मैं आपको अकेला छोड़ दूँ, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। पति समझ जाता है कि भाई निशाना सही लगा है। मीरा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ देर अकेला छोड़ दो ना, ठीक हो जाऊंगा, प्लीज जाओ। लेकिन मीरा की भी जिद थी कि वो पति के साथ ही रहेगी। अरे जाओ ना यार, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो बार बार साथ रहने की जिद करके। मीरा को भी गुस्सा आ जाता है। वैसे भी पूरा परिवार शादी के बाद से ही उसे इतना पैम्पर कर रहा था कि उसे तो अब तेज आवाज में बात सुनने की आदत ही नहीं रही थी। ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी, जा रही हूँ, रहो अकेले। ये क्या, पति की तो सारी गेम ही खराब हो रही थी। अरे रुको रुको, मतलब इतना फोर्स कर रही हो तो बता देता हूँ, वो क्या है ना, मेरी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, सोच रहा हूँ बिजनेस कर लूँ,
दूसरे लोगों की तरह ससुराल से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? मीरा जो पूरी इमोशनल होती है, अरे ससुराल से क्यों लेना, मैं हूं ना, करो ना बिजनेस जो भी करना चाहते हो। तभी ननद रोते हुए भाई के पास आती है। अरे बहन क्या हुआ? भाई मुझे ना आरव से प्यार है, लेकिन उसे तो हाई फाई लड़कियां पसंद है। भाई मुझे पैसे चाहिए। मीरा के लिए ये सब कुछ नया था। अरे जिस लड़की के पिता ने या माता ने उसे कभी ये नहीं जाहिर होने दिया कि पैसे की क्या कीमत होती है, उसे पैसे के लिए रोते लोगों को देखकर अजीब ही लगता है। क्या है यार पैसे के लिए क्या रोना, वो तो इतने हैं मेरे पास, ले लो। सच्ची भाभी? सच? तुम मुझे पैसा दोगी मेरे बिजनेस के लिए? अरे हाँ हाँ जरूर दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, तुम सब मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। तभी ननद भी बोल पड़ती है। और भाभी मुझे भी पैसे देंगी आप? हाँ तुम तो मेरे हाथ से बेलन छीन लेती थी रोटी बनाने के लिए, आज के जमाने में कौन करता है, मैं जरूर दूंगी तुम्हें पैसे। तभी वहां सास आ जाती है। अरे बहू सोच रही हूँ कि ऊपर का पोर्शन बनवा लूं, पर पैसे नहीं है, कम से कम दो पोर्शन का मकान होगा तो किराया आएगा, लेकिन क्या करूं पैसे नहीं है। माँ जी कैसी बात कर रही है, मेरे पास सोने के गहने हैं ना, उसे लोन में रख कर मकान बनवा लेते हैं। आप लोग मेरे लिए कितना सोचते हैं, आप तो मेरे लिए कमरे में चाय लेकर आती हैं, भाई कौन सास करती है आज के जमाने में। सभी पर मीरा अपने पैसे लुटा देती है और पूरी तरह से खाली हो जाती है। मेरा मजा आ गया, अब तक दोस्तों से काम मांगता था, आज वो मुझसे काम मांग रहे हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी तो नौकरी ही छूट गई, मेरी कंपनी बंद हो गई है, अब मैं क्या करूं? हैं? क्या अगले महीने से पैसे नहीं आएंगे? क्यों भाभी, अगले महीने तो मुझे गोवा के लिए पैसे चाहिए थे। अरे यार घर कैसे चलेगा? खैर कर भी क्या सकती थी मीरा, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती घर पर ही रहती है। मीरा तूने तो पैसे देने ही बंद कर दिए हैं और मैंने मकान बनवाने का काम शुरू भी कर दिया, अब देख आज ना एक लेबर नहीं आई है तो क्यों ना तू उसकी जगह काम कर ले, पैसे भी बच जाएंगे। हाँ माँ वो कर देगी, पहले बोलो मेरे लिए चाय नाश्ता बना दे। अरे मीरा क्या हुआ, नई नौकरी लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। मीरा को सबके बदले रवैये पर गुस्सा आ जाता है, वो अपनी माँ के घर जाकर सारी बात रो रो कर बताती है। बेटा वही तेरे पापा और मैंने भी कहा था, पैसों की कद्र करो, क्योंकि कल को कोई रिश्ता भले खोटा निकल जाए लेकिन पैसा तो चलेगा ही चलेगा। तभी मीरा के फोन पर नई नौकरी की कॉल भी आ जाती है और उसे उससे भी ज्यादा पैसों की नौकरी मिल जाती है, लेकिन इस बार मीरा को नौकरी के साथ अकल भी मिल जाती है कि अपने पैसों का हिसाब रखना जरूरी है।